हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से जो आपको मिशन मैथमेटिक्स की वर्कशीट और क्वेश्चन ऑफ द डे मिलता है, तो जो 19th अक्टूबर का क्वेश्चन ऑफ द डे है ना, वो तो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है। आज मैं आपको इसकी वर्कशीट और करा देती हूँ, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि वर्कशीट में आपको क्या कंसेप्ट दे रखा है। तो जैसे आपको पता है एपी की वर्कशीट इस टाइम पर चल रही है, तो आज आपको nth टर्म के बारे में बता रखा है कि वो क्या होती है। nth मतलब an टर्म, जो लास्ट टर्म भी कहलाती है। तो अगर हम इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें, होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। सारी चीज़ें आपको पता है, ये nth टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है, एंड ये डिफरेंस। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। टोटल चार चीज़ें आपको कोई सी भी दो या तीन तो देगा, और एक चीज़ आपको फाइंड करनी होगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल वन की यहाँ पर बात करूँ, तो आपसे कह रहे हैं फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ द ए। सीधा सीधा टेंथ टर्म निकालनी है, ये तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो जाएगा ए प्लस का नाइन डी, है ना। ए आपको क्वेश्चन में टू दे रखा है। अगर हम डी की बात करें, तो डी हमारे पास होता है ए टू माइनस का ए वन, तो मतलब सेवन माइनस का टू आ जाएगा फाइव आ जाएगा, क्या आ जाएगा टू प्लस का फोर्टी फाइव, आंसर मेरा आ जाएगा यहाँ पर फोर्टी सेवन। ये है मेरी टेंथ टर्म, क्लियर। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर टू, एक एग्जाम्पल और है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स तब आपको इसमें एन फाइंड करना है। तो अगर आप यहाँ देखें, ए आपको वन दे रखा है, डी की बात करूँ तो वो होता है ए टू माइनस ए वन, तो एट माइनस का वन कितना हो जाएगा सेवन, और ए एन भी दे रखा है यहाँ टू जीरो फोर है, कि ए एन हमेशा लास्ट टर्म होती है। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया ए एन का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। तो ये हो जाएगा टू जीरो फोर, ए मुझे वन दे रखा है, एन मुझे दे ही नहीं रखा, ये तो फाइंड ही करना है, और डी मेरे पास है सेवन। माइनस का वन इधर आ गया, प्लस का तो इधर आके माइनस का हो गया, टू जीरो थ्री, और यहाँ पर सेवन नीचे आ गया, ये आ गया एन माइनस का वन, ठीक है यहाँ तक। अब आप क्या करो, टू जीरो थ्री को सेवन से डिवाइड करके देख लो, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ट्वेंटी नाइन आएगा। ये माइनस का वन है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, एन आ गया आप पे थर्टी। आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछी थी, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी आ गई, वो आ गई आपके पास थर्टी। इस वर्कशीट में यही दो एग्जांपल ही थे, और दोनों सॉल्व थे। आपको करना कोई भी खुद के नहीं है, पर ये दोनों एग्जांपल भी अगर आप खुद करोगे तो अच्छा रहेगा, आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार भी दिक्कत लगे कमेंट कर जरूर पूछिएगा, तो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए।